चलें जनाब, अभी लेसन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, पार्सन की तरफ, पार्डनर, सॉरी। अच्छा, पार्टनर की तरफ बेटा देखिएगा। द पार्टनर द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। कौन था पार्टनर? सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्लिक कर दें, ये जो 30 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। अगेन देखें जरा पार्टनर कैसा था। ये पार्टनर था जो कि ग्रांट करता था पार्डन्स फॉर सिंस। राइडिंग विद द समनर केम फ्रॉम विजिटिंग रोम। ठीक है, रोम से आया था। सिंग्स एंड टेल स्टोरीज वेल। हेयर एज लॉन्ग येलो एज वैक्स डाउन टू द शोल्डर। थिन लॉक्स लाइक रेड ट्रील्स। स्मूथ चिन। हुड एंड वॉलेट इंस्टेड ऑफ हेड ओनली हैड अ स्मॉल कैप स्यूड विद अ हॉली रेलिक। ठीक है, उसके पास जो है क्या थी, उसकी स्मॉल कैप थी, ये देख लेंगे, कैप थी स्यू विद अ हॉली रेलिक। और इसको उसने हॉली रेलिक किसी हड्डी के साथ जो है वो स्यू किया हुआ था। ये उसकी रेलिक्स पड़ी हुई हैं, ये उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं, और ये ऐसे आया था जैसे सिंग्स एंड टेल स्टोरीज वेल। अब ये इसके आपको हाथ से अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरीके से जो लोग गाना गाते हैं उनके हाथ कुछ इसी तरह होते हैं। और फिर उसका क्या था, हेयर एज येलो एज वैक्स। इसके ये जो हेयर हैं यहाँ पे तो इतने येलो नहीं है, लेकिन उसके ऐसे येलो थे जैसे कोई वैक्स हो। और फिर क्या था, डाउन टू शोल्डर थिन लॉक्स लाइक रेड टेल्स। और ये देख लें उसकी ये जो शोल्डर पे जो लॉक्स हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे रेड की टेल्स हो। स्मूथ चिन है उसकी, ये देख लें। हुड इन वॉलेट इंस्टेड ऑफ हेड, और उसका जो हुड था ना वो वॉलेट के अंदर होता था। ये उसका वॉलेट है, उसके अंदर उसका हुड होता था इंस्टेड ऑफ हेड। और फिर ओनली हैड अ स्मॉल कैप स्यूड विद अ होली रेलिक। रोड इन द लेटेस्ट मॉड। ठीक है, किस तरह से वो घुड़सवारी करता था जैसे कोई लेटेस्ट मॉड में फैशन था, वेल फैशन मैनर में। बल्जिंग आई बॉल्स लाइक अ हेयर लेट फुल ऑफ पार्ट। उसकी आंखें कैसी थी, जैसे कोई जो है ऐसा खरगोश हो जिसका शिकार करते हैं। लेट फुल ऑफ पार्डन, हर वक्त वो पार्डन से फुल रहता था, बख्शिश देता था। ग्रांड पार्डन फॉर सिंस, ठीक है, जो गुनाह हो जाते थे अगर किसी से उनको वो पार्डन दिया करता था। साइंड बाय द पॉप। ठीक है, उसको भी जिस तरह हमने फ्रायर के बारे में पढ़ा था वो उसको भी पॉप ने साइन किया था। ही वॉज ऑल्सो साइंड बाय द पॉप। वॉइस लाइक अ गोट, उसकी भी वॉइस एक गोट की तरह की हुई थी। ठीक है, गोट की तरह की उसकी वॉइस थी। मेरी भी आजकल बैठ गई है। और जील्डिंग और मेयर। पिलो केस फुल ऑफ फॉल्स रेलिक्स। आवर और उसके जो पिलो केस था, दैट इज हिज पिलो केस, ये देख लें। ठीक है, उसमें रेलिक्स ही रेलिक्स थी, ये उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। आवर लेडी वेल पीस ऑफ सेल फ्रॉम। ठीक है, और उसके क्या क्या रेलिक्स में क्या था, आवर लेडीज वेल, किसका, कौन सी लेडी, वर्जिन मैरी का, वो कहता था इसके अंदर वेल पड़ा हुआ है। एंड पीस ऑफ सेल फ्रॉम सेंट पीटर, और सेंट पीटर के उसके पास कोई पीस ऑफ सेल थे। व्हेन जीसस वॉक्ड ऑन वाटर एंड मेड मोर देन व्हाट द पर्सन मेड इन 1-2 months बाय द सेल ऑफ दीस रेलिक्स। और इन दो चीजों से कि उसने सेंट पीटर ने जो सेलिंग की थी जब जीसस क्रिस्ट जो है उन्होंने वॉक किया था वाटर के ऊपर, ये उनकी कहानियां होती हैं। जैसे आजकल के दौर में वो पीर फकीर होते ना, उसी टाइप का इंसान था, लोग इसके पास आते थे, ये उनको पार्डन ग्रांट करता था और उनके सेंस पे, और साथ साथ इतना पैसा वो कमा लेता था खाली इन दो रेलिक से। किस किस से, आवर लेडीज वेल, ठीक है, नकाब था लेडीज वेल का, और दूसरा उसके पास जो सेंट पीटर के रेलिक्स थे। ठीक है, वापस आइएगा लिंक की तरफ वापस। द पार्टनर द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। बेटा इसमें तो सबसे पहले यही चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट में लिख के दी हैं, जो वहां पे अभी हमने पिक्चर में देखा कि राइडिंग विद समनर रोड इन द लेटेस्ट मोड, जस्ट केम फ्रॉम विजिटिंग रोम, बल्जिंग आई बॉल्स आएगा हियर, सिंग्स एंड टेल स्टोरीज वेल, वॉलेट फुल ऑफ पार्डन। बेटा ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने इसी तरीके से हर उसके ऊपर लिखने हैं कैरेक्टर के ऊपर। हेयर एज येलो एज वैक्स, डाउन साइन बाय द पॉम टू द शोल्डर, थिन लॉक्स, वॉइस लाइक अ गोट लाइक रेड टेल्स, स्मूथ चिन, गिल्डिंग और अ मेयर, हुड एंड वॉलेट इंस्टेड ऑफ हेड, पिलो केस फुल ऑफ फॉल्स रेलिक्स, ओनली हैड अ स्मॉल कैप स्यूड विद आवर लेडीज वेल,
piece of sail from holy relic Saint Peter when Jesus walked on water and made more than what the person made in 1 to 2 months by the sale of these relics. समरी देख लेते हैं पार्डनर की. पार्डनर कौन था ये तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए. द पार्डनर पार्डनर ग्रांट्स पेपल इंडल्जेंसेस. ठीक है, ये कौन होता है, ये जो है ग्रांट करता है पेपल इंडल्जेंसेस को. रिप्रीव्स फ्रॉम पेनांस इन एक्सचेंज फॉर चैरिटेबल डोनेशंस टू द चर्च. और ये क्या करता है, रिप्रीव करता है इन पेनांस पेनल्टी में इन एक्सचेंज फॉर चैरिटेबल डोनेशन टू द चर्च. मैनी पार्डनर्स इंक्लूडिंग दिस वन कलेक्टेड प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ. अपने लिए प्रॉफिट जो है वो कलेक्ट करते हैं. इन फैक्ट चौसर्स पार्डनर एक्सेल्स इन फ्रॉड. चौसर का जो पार्डनर था वो फ्रॉड था. कैरिंग अ बैग फुल ऑफ फेक रेलिक्स, जो जिसने बैग लिया हुआ था फुल ऑफ फेक रेलिक्स को. For example, he claims to have the veil of Virgin Mary. For example, उसके पास क्या था? Veil of Virgin Mary था. The partner has long, greasy, yellow hair and is beardless. These characteristics were associated with the shift nets and gender ambiguity in Chaucer's time. The partner also has a gift for singing and preaching whenever he finds himself inside a church. और उसके पास क्या क्या था? वो सिंगिंग भी कर सकता था एज वेल एज प्रीचिंग भी कर सकता था जब भी वो अपने आप को चर्च के अंदर पाता था. अच्छा जी, अब टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. लाइन नंबर है 669 द पार्डनर. विद हिम देयर रूड अ जेंटल पार्डनर. उसके साथ किसके साथ, एक्चुअली इससे पहले ना समनर का कैरेक्टर आया था. समनर के साथ जो है एक जेंटल पार्डनर था. ऑफ फ्री कॉन्सीबल हिज फ्रेंड एंड हिज कंपेनियन. कंपेयर लिखा हुआ है, कंपेनियन को कहते हैं. ठीक है, वो कहता है ऑफ रॉन सिवेल हिज फ्रेंड एंड हिज कंपेनियन. यानी कि ये विद द समनर देयर रोड हिज फ्रेंड एंड कॉमराड अ जेंटल पार्डनर जो है वो क्या था. द That straight was cometh to the court of Rome. Who had come straight from the court of Rome? Full loud he song. बहुत ऊंचा वो गाता था. Come hider love to me. और क्या कहता था? Come hider love to me. Again इधर here वो क्या कहता था? My dear beloveds come to me. और उसके बड़े harmonized way में वो सबको call करता था. This summoner bar to him a stiff burden. और ये जो this summoner harmonized with him a strong brass. ठीक है, ये जो है stiff burden था, उसकी low pitch voice थी, undertone थी. अब क्या था यहाँ पे कि वो आया था, this pardoner was coming straight from the Catholic court of Rome, Italy. और ये जो था बहुत ज्यादा loudly क्या sing करता था, my dear beloved come here to me. To which the sad summoner would add his stiff bass, bass, low pitch voice. ठीक है, और जिसमें जो है ये जो है strong bass, यानी के low pitch voice summoner उसके अंदर add करता था. यानी के ये दोनों आपस में friends थे, ये दोनों एक दूसरे को support करते थे, दोनों मिलके गाना गाते थे. ठीक है, तो वो strong bass कौन इसमें add करता था, summoner add करता था. Was never trump of half so great a sound. Sound यहाँ पे sound को कहा जा रहा है कि there was never a trumpet of half so great a sound. इस तरह का तो भाई trumpet जो है, no trumpet could ever produce half so loud a musical sound as that sung by the pardoner. इस pardoner जैसी तो किसी ने कभी कोई sound produce की नहीं थी भाई, ऐसा trumpet कोई नहीं बजाता था. This pardoner had hair as येलो एज वैक्स. उसके हेयर कैसे थे, वो ऐसे ही येलो थे जैसे कि कोई वैक्स. ठीक है, बट स्मूथ इट हीन. हीन कहते हैं हंग को. एज डॉट डॉट डस्ट को कहते हैं. आ स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स, आ क्लंप ऑफ फ्लेक्स. और दिस पार्डनर हेयर दैट हंग स्मूथली लाइक अ हैंग टफ्ट और हैंडफुल ऑफ फ्लेक्स विच आर वोवन टू मेक लीलन क्लॉथ. ठीक है, और वो किससे बने हुए थे, टफ से बने हुए थे, स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स से बने हुए थे,
जो के फाइबर है, द फाइबर ऑफ प्लांट लिनन व्हिच आर वोवन टू मेक लिनन क्लॉथ, और वो कैसे थे, येलो एज फ्लैक्स थे। बाय औंसेस हैंग हिज लॉक्स दैट ही हैड, और उसके जो लॉक्स थे वो जो है लटके हुए थे, एंड देयर विद ही हिज शोल्डर्स ओवर स्प्रेड, और वो सारे उसके शोल्डर्स के ऊपर स्प्रेड हुए हुए थे। हमने शुरू में पढ़ा ना थोड़ा सा, वो कैसे रोड करता था जैसे कोई नए दौर का इंसान, तो उसके जो शोल्डर्स के ऊपर बाल भी उसके बड़े तरीके से स्प्रेड हुए थे। अगेन देयर इज आयरनी लाइज इन दिस सिचुएशन, ठीक है, अगेन यहाँ पे आयरनी है, बजाय इसकी कि वो जो है अपने चर्च से कमिटेड रहता, अपने पार्डन से कमिटेड रहता, बट ही वॉज डूइंग, बट समनर वॉज डूइंग, दे बोथ आर प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है, ट्रम्पेट प्ले कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, उनके बाल जो हैं बड़े तरीके से, जो लॉक्स थी उनकी पूरे शोल्डर्स के ऊपर ओवर स्प्रेड हुई हुई होती थी, और वो कैसे रोड करता था, बड़े मॉडर्न वे में रोड करता था, ये भी घुड़सवारी का शौकीन था। उसके बाद है बाय दाइन इटले बाय फॉलपोन्स ऊन एंड ऊन, बट दाइन कहते बेटा थिन को, इटले थिन इटले बाय कॉलपोन स्ट्रैंड्स वन बाय वन, और वो किस तरह की उसके ऊपर स्प्रेड हुए हुए थे उसके लॉक्स वन बाय वन करके, यानी कि अलहदा अलहदा बड़े प्रॉपर वे में उसके जो लॉक्स थे वो जो है वो हंग हुए हुए थे, बट हुड फॉर जोल्टी वेयर ही नो, वो कहता लेकिन ये जो था, बट टू मेक एन अट्रैक्टिव अपेयरेंस ही वोर नो हुड, एक जो कलर्जी मैन होता है उसके लिए हुड पहनना बहुत जरूरी होता है, एक जो पार्डन होता है उसके लिए हुड पहनना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली मस्जिद जाते हुए बच्चे जो है टोपी उतार देते हैं कि मामा अच्छे नहीं लगते हम, मस्जिद जाएंगे तो पहन लेंगे, और जैसे ही बच्चे से बाहर निकलते हैं फौरन टोपी उतार देते हैं कि हमारी शायद अपेयरेंस अच्छी नहीं लगती। सेम इज द केस विद पार्डनर, क्या करता था अपना जो हुड है उसको वो पहनता नहीं था, क्योंकि ताकि वो थोड़ा सा जॉल्टी लगे, ठीक है, Before it was trussed up in his wallet, और ये उसके वॉलेट के अंदर जो है ट्रस्ट अप रहती थी, उसके जो बैग था उसका नैपसैक था जो मैंने अभी आपको पिक्चर में भी दिखाया था उसके अंदर वो बिल्कुल बंद होके रहती थी। Him thought he ruled all of the new jet. It seemed to him that he rode in the very latest style. This chival saw his cap, he rode all bare. और विद देयर हेयर अनबाउंड, ठीक है, जिस चिवली कहते हैं बेटा, यहाँ पे इसका एक और मीनिंग लिखिएगा लूज, ठीक है, जिस चिवली कहते हैं लूज, सेव हिज कैप, यानी कि एक्सेप्ट हिज कैप, ही रोड ऑल बेयर, वो जो है ही रोड ऑल बेयर हेडेड, विद हेयर अनबाउंड, सेव फॉर हिज कैप, ही रोड बेयर बेयर हेडेड, ठीक है, वो ज्यादातर बेयर हेडेड ही रोड कर लेता था। Switch gathering iron had he as and here, और उसकी आंखें कैसी थी, Switch gathering थी, glaring eyes थी, ठीक है, iron eyes को कहते हैं, such gathering, switch बेटा such को कहते हैं, gathering glaring को कहते हैं, जैसे कि एक हेयर की होती है, एक रैबिट की होती है, a veronical head he sought upon his cap, और उसके cap के ऊपर एक वर्निकल था, वर्निकल कहते हैं बेटा अ क्लॉथ बेरिंग एन इम्प्रेशन ऑफ फेस ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, वर्निकल किसे कहते हैं, अ क्लॉथ बेरिंग एन इम्प्रेशन ऑफ फेस ऑफ क्रिस्ट बिलीव टू हैव बीन मिरेकुलसली इम्प्रेस्ड ऑन इट व्हेन सेंट वेरोनिका वाइप्ड हिज फेस। अब ये जो है वो क्लॉथ था जो इम्प्रेशन ऑफ द फेस ऑफ क्रिस्ट उस पे था, और ये क्या था, जब सेंट वेनोरिका जो है उसने अपना फेस वाइप किया गया था, तो वो कहता है कि इसका जो है ना ये जो उसने क्लॉथ बेयर किया हुआ था जो कि वो ही हैड गॉट सीन ऑन हिज कैप वर्निकल, उसने अपने कैप के वर्निकल के ऊपर एक स्यू किया हुआ था, क्या, हिज वैलेट सेंट जीसस का एक इम्प्रेशन ऑफ फेस जो है उसके ऊपर उसने स्यू किया हुआ था, हिज वॉलेट बिफोर हिम इन हिज लैप Before him in his lap he had his knapsack, ठीक है, और उसकी lap में before him in his lap उसके पास उसका wallet भी था, bread full of pardon coming from Rome at all who, और brimful pardons come all fresh from rule,
और वो कहता था कि ये सारी जो जितनी भी उसके पास ये रेलिक्स हैं ये कहाँ से आई हुई हैं, इसकी पार्डन सब रूम से हैं। और दूसरी इसमें ये है कि पॉप ऑफ रोम ने एक्चुअली उसको असाइन किया था इस टास्क के लिए। अ वॉइस ही हैड एज स्मॉल एज हैथा गॉड, और उसकी जो वॉइस थी, वॉइस यहाँ पे वॉइस को कहा जा रहा हैड ही उसकी थी एज अ स्मॉल, उसकी आवाज इतनी मध्यम थी जैसे कि इतनी बारीक थी जैसे किसी कोट की होती है। नो बर्ड हैड ही नेवर शुड हैव, और कभी भी उसकी ही हैड नो बियर्ड, ठीक है बियर्ड उसकी थी कोई नहीं, नॉर नेवर वुड हैव, और कभी उसकी शायद थी भी नहीं। एज स्मूथ इट वॉज एडवर्ड लेट शेव, और उसका फेस इतना स्मूथ था जैसे वो रिसेंटली शेवन हो। आई ट्रो ही वरा गिल्डिंग ऑरा मेयर, वो कहता मुझे तो ऐसे लगता है या तो वो कोई इनच हो या कोई होमोसेक्सुअल हो, ठीक है गिल्डिंग था या वो कोई मेयर था। बट ऑफ हिज क्राफ्ट, लेकिन अगर उसके क्राफ्ट की बात की जाए, फ्रॉम बर्विक टू इन टू द वेयर, बर्विक टू वेयर की तरफ, नी वॉज सर देयर सच एन अदर पार्टनर, देयर वॉज नो अदर पार्टनर लाइक हिम, उस जैसा कोई पार्टनर नहीं था फॉर हिम इन हिज मेल। ये सेकेंड टाइम कह रहा है पार्टनर के बारे में चौसर, के ऐसा पार्टनर तो हमने कभी देखा नहीं। अगेन दिस इज द सेटारिकल लाइन के दैट इज द पार्टनर, के वो यू आर, मतलब एक तरफ तो आयरनी है कि ऐसा पार्टनर तो हमने अभी कभी ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं सोचा, दूसरी चीज ये सेटायरिकली वो उसको कह रहा है कि इस तरह का पार्टनर तो हमने कभी देखा ही कोई नहीं, देयर इज नो पार्टनर लाइक हिम। फॉर इन हिज मेल ही हैड अ पिलो बियर, और उसके पाउच में ही हैड अ पिलो केस, उसके पिलो केस था उसके पाउच के अंदर, विच दैट ही सेड वाज आवर लेडी वेल, जिसको वो उस पिलो केस को क्या कहता था, वो कहता था ये हमारा वर्जिन मैरी का वेल है। ही सेड ही हैड अ